गुड इवनिंग दोस्तों, शाम का टाइम हो गया। मैंने अपना ब्लॉगिंग शाम से स्टार्ट कर दिया है, तो दिखाते हैं आज का रूटीन, शेयर करते हैं आपके साथ आज क्या खाने बनने वाला है। बहुत ही स्पेशल बनने वाला, आप लोग के साथ शेयर करने का कमेंट भी मुझे भर भर के आ रहा था, तो आज शेयर करेंगे। अनूप बताएगा क्या बना। इधर डॉली क्या कर रही हो? डॉली ने चाय बना दिया। और कहाँ ले जा रही हो? पीछे देने के लिए। अच्छा, तो डॉली इधर जा रही है चाय देने, चलो फटाफट। डॉली गई चाय देने। और ये है मेरी नए फैमिली मेंबर जो कल आई है, मोबाइल मांग रही है चलाने के लिए। मम्मी इधर बातें कर रही है, गाय इधर छाटी खा रही है, डॉली इधर चाय सबको दे रही है, इधर अनुप। हाँ बिल्कुल पीना है तुमको चाय। आते फटाफट बता दो तो दोस्तों से क्या बनने वाला है आज। ए डॉली चाय दे दो, अनुप भी मांग रहा है। बोलो जी, बोलो जल्दी बोलो। आज बनने वाला है मटन करी और साथ में रोटी चावल। रोटी चावल दोनों बनेगा शायद, या चावल भी बन सकता है। अच्छा, लेकिन काफी दिनों के बाद बनना है मटन करी। हाँ, और देखिए दोस्तों, मतलब मान लीजिए मेरा ब्लॉग जो है वो वेजिटेरियन लोग भी देखते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी देखते हैं। तो बात यह है कि जो वेजिटेरियन है उनका तो कोई बात नहीं है, मैं भी वेजिटेरियन हूँ लेकिन मेरे फैमिली वाले खाते हैं। तो मुझे जो जो नॉन वेजिटेरियन है वो मुझे कमेंट उन लोग का कमेंट आता कि आप लोग चिकन मटन नहीं बनाते क्या। तो मैं तो शेयर की हूँ, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर आते हैं वो पुराना ब्लॉग तो नहीं देखे रहते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे काफ़ी दिन से कमेंट आ रहा था तो आज मटन शेयर करते, क्योंकि अब मैं सबकी रेसिपी शेयर करूँगी बारी बारी। तो जो नहीं खाते उसके लिए सॉरी दोस्तों, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। तो अभी चलते हैं फटाफट से शेयर करते हैं। गाय को खिलाने के लिए ला रहे हैं। और चलो मोबाइल मत दबाओ, चलो अंदर। शाम को चाय, ठंडी ठंडी हवा, कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठंडी हवा आ रही है। और डॉली जी, शाम को चाय पी के कैसा, अच्छा लग रहा है ना? इसको तो चाय 24 घंटा चाहिए। नहीं, दो बार चाहिए, सुबह एक शाम। विलेज वाला स्टाइल में हम पोशाक कर लिए अपना। हाँ, विलेज वाला स्टाइल में एकदम गांव तरीके से स्टाइल में बैठ गए अनुप जी, मोची बांध के। कोई बात नहीं, गर्मी ज्यादा हो रहा है अनुप जी को। शुद्ध कपड़ा यही है। हाँ, अनुप जी को गर्मी ज्यादा हो रही है, लेकिन बाहर जाने में दिक्कत हो रही है। अंदर के लिए एकदम क्या वजह से तीत लग रहा है कचावा? चलो चाय पी रहे हैं और हम भी चलते चाय पीते हैं, उसके बाद से चलते हैं खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो अभी इधर मटन की तैयारी होने लग गई है, इधर मटन की तैयारी हो रही है, जिसके लिए हम खूब सारा लहसुन छुड़ा लिए, क्योंकि लहसुन और प्याज से टेस्ट आता है। इधर मिर्ची ले लिए हैं, इधर खड़ा लहसुन डालेंगे। बिहारी मटन करी बनना है और बिहारी मटन करी में खड़ा लहसुन और मिर्ची जाना अनिवार्य होता है। तो सारा तैयारी हो गया है, अभी हम चलते फटाफट प्याज काटते हैं। और खड़ा लहसुन चूसने में मजा आ जाता है। हाँ, और टेस्ट भी बहुत शानदार आता है। तो फटाफट आए, दोहे छीन लिए लहसुन। खाना है कि नहीं? तुमको तो चिकन पसंद है, मटन तो पसंद नहीं है, लेकिन क्या करोगी, लड़कियों को मटन नहीं पसंद होता है, चिकन पसंद होता है। तुम तो वेजिटेरियन हो, तुम्हारा क्या बात है, लेकिन तुम हेल्प कर देती हो, मुझे दिल से बहुत अच्छी लगता है। हाँ, मैं सोचती हूँ घर में तो हेल्प कर दूँ। हाँ, तो हेल्प नहीं, खदेड़ दो। हाँ, यस यस, एकदम खदेड़ दिया जाएगा। हाँ, तो अच्छा से काम करोगी तो रही जाएगा। अरे हंसती तो तुम ही हो, लेकिन नहीं। और शाम कितना खूबसूरत हो गया है, तुम्हारा तो फेवरेट है ना, रोटी के चाय के साथ रोटी खाना। हाँ, मैगी चावल। अच्छा, मैगी चावल पसंद है। बेचारी को काहे मजा लेती हूँ।
कैमरा बंद होते हुए अबे फटका झूठा झूठा बोल हो जाएगा। फटाफट काट के रेडी कर लेते हैं और लहसुन लहसुन से छुड़ा के रेडी कर दिए। कुछ कम्प्लीट हो गया है अब बस आग जलाना है। देसी चूल्हे बनाएंगे। अच्छा चूल्हे बनेगा? हाँ, जिससे चूल्हे पर का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और मुझे कमेंट भी आता है कि आप लोग गांव के हैं फिर चूल्हे पर नहीं दिखाते, क्योंकि चूल्हे पर का खाना ना हमारे सब्सक्राइबर को पसंद है बहुत ज़्यादा। तो हम सोच रहे हैं कि चूल्हे पर कभी कभी बना दीजिए, क्योंकि इस टाइम इतना ज़्यादा लू चल रहा है ना कि हम लोग चूल्हे पर नहीं बना सकते, क्योंकि चूल्हा मेरे बाहर है और हवा बहुत तेज चलती है तो खाना बन नहीं पाता है, इसलिए हम अंदर बना रहे हैं। पर शाम के टाइम सोच रहे हैं कभी कभी चूल्हे पर भी बना दें। चूल्हे पर खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरा सब कुछ रेडी है, मेरा सब कुछ रेडी है, चलते आग जलाने। तो इधर मम्मी ने आग जला दिया है। हवा बहुत तेज है और हवा तो एकदम चलने स्टार्ट हो गई है। बारिश भी ना आ जाए? नहीं बारिश नहीं आए। रखते हैं, गर्म करते हैं, पहले देखते हैं बन पाता कि नहीं। मौसम अभी ठीक है। इधर सरसों का तेल एकदम कड़क गर्म हो गया है, इसमें अभी हम डालेंगे मिर्ची, खड़ा लहसुन, प्याज। अदरक लहसुन इसको अच्छे से कूट लेंगे। अगर अदरक लहसुन कूट लिए हैं इसको डाल देंगे और प्याज के साथ अच्छे से भुनेगा। भी इधर प्याज आधा भुन गया है, अब इसमें पड़ेगा चिकन मटन। डाल लीजिए इधर, अभी चिकन और प्याज को 4 से 5 मिनट भुनेंगे। इधर टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। 4 से 5 मिनट मीट भुन गया है। कितना सीटी लगेगा? 4 सीटी लगेगा। 4 सीटी में गल जाएगा। और इधर गर्मा गर्म रोटियां दीदी बना रही है, इधर चिकन बन रहा है, पीछे मम्मी चिकन बना रही है और इधर चावल रेडी है। इधर चावल रेडी हो गया। चार से पांच सीटी लग गया था, बस नमक हल्दी डाल के पकाया गया है। 4 से 5 सीटी में एकदम अच्छे से मटन पक गया है और अभी से पड़ेंगे मसाले। फिर दोबारा चूल्हे पर रखा गया। डाल लीजिए मसाला। इधर मसाले हैं, गरम मसाला था उसको पीस के पड़ गया। अब कोई मसाले नहीं पड़ेंगे क्योंकि गरम मसाला में सब कुछ मिक्स रहता है। इधर मसाले साथ 4 से 5 मिनट भुनेंगे फिर डालेंगे पानी। क्या कर रहे हो? मूंगफली खा रहे हैं। मूंगफली खा लोगे तो भूख नहीं लगा, तो चाहिए मटनों कैसे खाओगे? थोड़ा सा खा रहे हैं। जब मसाले साथ 4 से 5 मिनट भून गया पानी पड़ेगा और बस एक उबाल आएगा उतर आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ अच्छे से गल गया, ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो गई है। और एक कटोरी पानी, कारण कि इसका ग्रेवी गाढ़ा रहता है। और बिहारी मटन करी बन के रेडी, सिंपल तरीके से और टेस्टी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों जी अनूप? हाँ। क्यों अनूप, टेस्टी होता है ना? बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। 2-3 उबाल आएगा। A few minutes later। इधर मटन बन के रेडी हो गया है, चावल निकाल दिए हैं और देखो कितना मस्त मटन बना है अनूप। हाँ। अब निकालते हैं फटाफट। तो काफ़ी रात हो गया है, खाना बन के रेडी हो गया, सब लोग बैठ गए खाना खाने। और आप लोग कह रहे थे कि आप लोग गांव के तरीके से नीचे बैठ के खाना खाते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था देखने में, तब सोचे चलो आज नीचे बैठ के खाना खाते हैं। कैसा मम्मी?
कैसा हुआ? बहुत बढ़िया लग रहा है। हरीश तुम तो बोले नहीं रहे हो। वेरी टेस्टी। बहुत बढ़िया चावल के साथ तो और भी मस्त लग रहा है। उधर लहसुन है, बिहारी लोग लहसुन बड़ा खाते हैं, यूपी बिहार के लोग। कैसा लग रहा है? मस्त मस्त। तो ये लोग खाना खा रहे हैं, हम भी चलते हैं खाना खाते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।